हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. और देखिए, हम सब भी अच्छे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. देखिए, हमारे यहाँ हार्दिक आए हुए हैं और हम इन सबको ले चलते हैं शीतला देवी काठगोदाम घुमाने. घूमने का तो बच्चों का बहुत सारा प्लान था, लेकिन बारिश ने कमाल कर दिया. बारिश तो रुकी ही नहीं है बिल्कुल. लेकिन अब यही चाहेंगे कि थोड़ी बारिश रुक गई है तो ऐसे हाँ ही मौसम रहे और हम जो माता रानी ने बुलाया दर्शन अच्छे से करके आए और बिल्कुल. आपको दिखाएंगे पूरा कैसे कैसे जाते हैं. कैसे जाते हैं? सब ट्रिप बेकार हो गई. सोचा रामनगर, नैनीताल सब जगह घुमाएंगे, लेकिन बहुत वहाँ तो रेड अलर्ट हो रखा है, कुछ जा ही नहीं सकते. चलिए चलते हैं सफर में. हम लोग का सफर स्टार्ट हो चुका है. और कौन हाँ, कौन बैठा? फाइनली हम निकल चुके हैं. अब हम जहां तक जा पाएंगे. और बारिश रुक गई है, सबसे अच्छी बात. पीछे वाले भी हाय बाय कर दो भाई. पीछे वाले की जय. जय आगे माता वालों दी तो की भी बोलो. जय. जय माता माता दी. दी. जय माता दी. सची आ रही हो? हाँ ठीक. चलिए दिखाते हैं सुंदर नजारे आप लोगों को. हम सब लोग हल्द्वानी. अनिष्ठा बारिश भी खैर ब्रेक लिया है. देखते हैं कहाँ तक जाते हैं. बारिश तो बहुत हो रही है. बरेली से निकले थे तब इतनी नहीं है. गाड़ी से निकलने का बिल्कुल ही नहीं हो रहा है. अरे अभी हमने एक मंदिर स्किप कर दिया जस्ट बिकॉज क्योंकि बारिश बहुत तेज है, भीग जाएंगे सब. देखते हैं मंजिल कहाँ तक चलती है. आप भी हमारे साथ चलिए. बहुत पानी है, सब पहाड़ों से आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है. ये देखो सामने. सो रही है. देखिए माँ शीतला देवी के दर्शनों के लिए जाने खड़े, लेकिन आए हैं तो दर्शन जरूर है ना निष्ठा? अरे आए हैं तो दर्शन जरूर करेंगे. सही बात है. लेकिन ये राशन वाले भैया ने देखो कितने बड़े बड़े अम्ब्रेला दिए हैं. ये भी आई है शीतला माता के दर्शन पहली बार ना. प्रेम से बोलो शीतला माता की जय. गुलाबे में कितनी ताकत है. हाँ बारिश में भी आ सकता है. बारिश में भी चले आए. और ये देखो माता रानी ऊपर नहीं जाएंगे. ब्लैकबर्ड भैया ने शादी नहीं है. हाँ माता रानी ने सब इंतजाम करके रखा है. हाँ चलिए चलते हैं, चढ़ाई करते हैं. प्रेम से बोलो जय माता की. 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 हम सब आज बड़े कठिनाइयों से माता के दर्शन के लिए चल रहे हैं. आगे का दिखा दो. देखिए ये देखिए कितनी बारिश हो रही है. अब ऊपर मंदिर जाके बनाएंगे. ठीक है अब आपको फोन रखते हैं अंदर, मिलते हैं ऊपर. देखिए मेरे पीछे कितने अच्छे बादल उड़ रहे हैं ये, और हमने भी छाता लगा रखा है. पीछे सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं.
और ये हमारा नैतिक खड़ा है। हेलो नैतिक, देखिए हम दोनों ने, हम लोग अपने अपने अलग अलग छाते लेके आए हैं। कितना अच्छा मौसम है, हम और हार्दिक बड़े छाते में और हमारी पूरी जा रहे हैं आगे आगे। ये देखिए माता रानी को हमें बुलाना था ना, तो फिर हम कैसे बुला ही लिया। सही बात है, अब दुकान वाले भी अच्छे थे। हाँ, छाता दे दी हमें बड़े बड़े। सही बात है, चलिए मिलते हैं मंदिर पे, पैर धुल के जाओ जैसे गुरुद्वारे में धुल के जाते हैं। कितना अच्छा व्यू आ रहा है देखो। हाँ, बहुत हरियाली है। हाँ, एक जैसे पेड़ है बिल्कुल। सॉरी गाइस, आप कहोगे हम ऐसे बने लेकिन हम बहुत भीग रहे हैं। बचा तो रहे हैं। हाँ, मेरा भाई, मेरे पति सब बचा रहे हैं मुझे। सब आगे पीछे छाती ले लेके घूम रहे हैं, बट बारिश कम नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हाँ, अरे मम्मी भीग रही है, मम्मी को छाती में देखिए। हाँ मम्मी, जिद करके आए भी तो है। हाँ, मेरा छाता में मेरी वो जोड़ा आ गया। वो दोनों बहन भाई जा रहे हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, अभी पलट के देखेंगे। हाँ चलो भाई, फोटो ले लेते हैं। देखिए हम मंदिर आ गए हैं, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे चाचा जी हैं दूर के, उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए हम लोग यहीं टेंट साइड में बैठेंगे और हमारी लड़कियां दर्शन कर सकती हैं। ये लोग पराए घर की हैं इसलिए ये नहीं जाएगा। जाओ दर्शन करो और तुम लोग भी, और नैतिक और हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे दूर के एक चाचा जी की डेथ हो चुकी है। दर्शन करके आ चुके हैं, पीछे ये लोग आ रहे हैं, हम और नैतिक आगे आ गए हैं। चलिए हम मिलते हैं नीचे आप लोगों से। निष्ठा के किसी कीड़े ने काट लिया और अब हम यहाँ पहाड़ी कुटी और खीरे का रायता खाने आए हैं। सबको भूख लग गई है, काफ़ी टाइम हो गया, अभी बस ऊपर से आए दर्शन करके। देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पहाड़ी खाना मंगाया है। प्लेन मैगी होगा जीजा साले, प्लेन मैगी खाए भाई। हमारे आलू के गुटके आ चुके हैं और यह है पहाड़ी रायता खीरे का। चलिए खाते हैं, खाके बताएंगे कैसे लगे, नमन बताएंगे कैसा टेस्ट है खाके। अब रायता डालो इसके ऊपर, बताते हैं आलू और खीरे का रायता कैसा है। कैसा है? बढ़िया, बहुत अच्छे आलू के गुटके और रायता। क्वेश्चन लेते हैं, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तुम्हें सच्ची? चलिए हम अपने पहाड़ी के खाने का आनंद उठाते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। माता मंदिर के गेट पे इन भैया की दुकान है, अभी दिखाऊंगी आपको। दुकान नहीं, सॉरी, रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा था। यहाँ हम लोगों ने खीरे का रायता, आलू के गुटके और क्या क्या खाया, आलू पराठा, पनीर पराठा, मैगी, सब बहुत अच्छी है। मैं मिलवाती हूँ आपको इन भैया से, आप लोग आना, विजिट करना, काफ़ी अच्छा है, डिस्काउंट भी मिलेगा हमारी वजह से और हमें भी देंगे। बरेली से कुछ लोग सदस्य लोग आए हैं जो हमारे ग्राहक के रूप में, पहले सबसे पहले इन्हें देवी माता सीता माता के दर्शन किए, उसके बाद हमारे रेस्टोरेंट में कुमाऊँ किचन में इनको यहाँ के विषय में जानकारी दी थी, उसकी जानकारी मैंने पूरी दी। इनने इस टाइम मैगी खाई, मैगी इनको पसंद आई, उसके बाद आलू के गुटके रायता खाया। हमारे यहाँ अभी काफल पिक्चर की शूटिंग हुई थी। अच्छा। मनु महारानी भी डायरेक्टर साहब की विशेष मनु महारानी ठहरी हुई थी, उनको रायता इतना अच्छा लगा तो
वहाँ से यहाँ हमारे कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को भी रायता अच्छा लगा है ना। और आलू के गुटके नमन तो फैन हो गए। सुधा आंटी वीडियो देख रही होंगी तो कह रही हैं सुधा आंटी यहाँ चलो फोन कर दो। तो ये आप लोग भी आना, हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना पीना। हम लोग आ गए मम्मी के घर वहाँ से, अब यहाँ चाय पी के फिर चलते हैं अपने बरेली। प्यार से अम्मा जी टीका लगाते हुए निष्ठा का। शिवांगी पैसे ले रही तो अम्मा बोली तू भी बाहर वाली हो जाएगी, कोई बात नहीं अभी ले ले। अरे बाहर वाली होने वाली तो नहीं है। सही है निष्ठा की। अब नानी के घर से भी बधाई, अभी तो आंटी के घर से हुई। अरे शिवांगी के पास ही है।